नमस्कार, डेली द लेटेस्ट न्यूज में आप सबका स्वागत है और मैं हूँ सोनिया डोगरा। जैसे कि आप जानते हैं कि कल 24 अक्टूबर है, मंगलवार, और आपको बताते चले कल के दिन दशहरा जो है वो बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। और इस वक्त हम मौजूद है परेड ग्राउंड में, जहाँ पे दशहरा जो है हर साल की तरह इस साल भी कल के दिन मनाया जाएगा। वहीं पे आपको बताते चले विजयदशमी महोत्सव दशहरा जो है बड़े तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। वहीं पे आपको बताते चलते, आप लोग अगर यहाँ पे परेड ग्राउंड अगर आना चाहते हैं, दशहरा में भाग लेना चाहते हैं, रावण को देखना चाहते हैं जलते हुए, सबसे पहले तस्वीरें दिखाते चलूं। ये पास है, ये तस्वीरें पास कर दे अभी, ये पास को लेना ना भूले। ये पास के बिना आपको जनाब एंट्री यहाँ पे ग्राउंड में नहीं मिलेगी। अगर जिसके पास एक पास होगा उसके पास एक एंट्री, एक के साथ एक एंट्री। और वहीं पे ये जो ग्राउंड है वहां वाला जो वो परेड से अभी दिखा दे, उस तरफ से, अभी उस तरफ से आपको एंट्री मिलेगी। और वहीं पे वो दूसरी तरफ से एंट्री जो है उसके लिए भी पास चाहिए आपको। वो पास कौन सा है? वो ऐसे वाला ही पास है और पीले कलर का पास होगा। ये पास आपको लेना है और उसके बाद कल के दिन यहाँ पे चेयर्स भी लग जाएंगी, कुर्सियाँ लगा दी जाएगी जो कि वीआईपी लोग होंगे। लेकिन वीआईपी जो लोग हैं उनके लिए भी बताते चले, उनके लिए वे कार्ड होगा, फोल्ड कार्ड। और वहीं पे इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं परेड ग्राउंड से, जो कि कल के दिन दशहरा जो है बड़े चाव के साथ मनाया जाएगा। वहीं पे बात करें शारदीय नवरात्रों के बाद 10वें दिन दशहरे का त्योहार देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन रावण के पुतले जलाए जाते हैं और भगवान राम की पूजा की जाती है। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं, आपको बताते चलते हैं इससे जुड़ी क्या क्या मान्यता है। वहीं पे शारदीय नवरात्र के 9वें दिन माँ भगवती के व्रत करने के बाद 10वें दिन यानी कि दशहरे पर भगवान राम की पूजा की जाती है और दशहरे का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू धर्म में विजयदशमी को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था, तभी से लोग हर साल लोग अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरे के रूप में मनाते हैं। इस दिन रावण के पुतले का दहन करके दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। इस साल दशहरा जो है 24 अक्टूबर कल मंगलवार को मनाया जाएगा और इस दिन देश भर में जगह जगह पर रावण के पुतले जो है वो जलाए जाएंगे। आइए आपको बताते हैं इस त्योहार को मनाने के क्या कि हनुमान जी को माता सीता की खोज करने के लिए भेजा। सबसे पहले तस्वीरें दिखा देते हैं, ये रावण जो है ये सामने तैयारियां चल रही है, तीन देख सकते हैं किस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं और ये अभी शाम तक लग जाएगा और कल जो है तस्वीरें देखने को मिलेगी। वहीं पे हनुमान जी को बताते चले तो हनुमान जी को माता सीता की खोज करने के लिए भेजा। हनुमान जी को माता सीता का पता लगाने में सफलता प्राप्त हुई और उन्होंने रावण को लाख समझाया कि माता सीता को सम्मान सहित प्रभु श्री राम के पास भेज दे, लेकिन रावण ने हनुमान जी की एक ना मानी और अपनी मौत को निमंत्रण दे डाला। वहीं पे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जिस दिन रावण का वध किया उस दिन शारदीय नवरात्र की दशमी तिथि थी। राम ने 9 दिन तक मां दुर्गा की उपासना की और फिर 10वें दिन रावण पर विजय प्राप्त की, इसलिए इस त्योहार को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। वहीं पर रावण के बुरे कर्मों के श्री राम की अच्छाई की जीत हुई, इसलिए इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के त्योहार के रूप में ही मनाते हैं। इस दिन रावण की बात करें तो रावण के साथ उसके पुत्र मेघनाथ और उसके भाई कुंभकर्ण के पुतले भी फूके जाते हैं। ये सामने तस्वीरें देख सकते हैं रावण और उसके साथ साथ बात करें उसके पुत्र मेघनाथ और उसके भाई कुंभकर्ण के पुतले यहाँ पे लग चुके हैं और लगने जाएंगे। वहीं पे माँ दुर्गा ने किया था महिषासुर का वध। और वहीं पे बताते चले विजयदशमी को मनाने के पीछे एक और मान्यता ये बताई गई है कि इस दिन माँ दुर्गा ने चंडी रूप धारण करके महिषासुर नामक असुर का विवध किया। महिषासुर और बताते चले उसकी सेना द्वारा देवताओं को परेशान किए जाने की वजह से माँ दुर्गा ने लगातार 9 दिनों तक महिषासुर और उसकी सेना से युद्ध किया था और 10वें दिन उन्हें महिषासुर का अंत करने में सफलता प्राप्त हुई। इसलिए भी शारदीय नवरात्र के बाद दशहरा मनाने की परंपरा जो है वो बनाई जाती है। इसी दिन माँ दुर्गा की मूर्ति का भी विसर्जन किया जाता है, यानी कि साग विसर्जन किया जाता है। और
उसके दूसरे दिन जो है ये दशहरा जो है वो मनाया जाता है। और फिर से बताते चलूं, भगवान राम की पूजा भी की जाती है और ये त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। और इस वक्त परेड ग्राउंड में मौजूद है और दशहरे की तैयारियां जो है बेखूबी से यहां पे चल रही है। वहीं पे साइड की बात करें वहां पे शाम तक चेयर्स लग जाएंगी, जो VIP लोग हैं वो उनको भी बताते चले उनको एंट्री जो है वो नहीं है, यानी कि उनको भी एक पास लेना पड़ेगा। और जो दो गेट है परेड ग्राउंड के, पहला गेट उसके लिए भी पास चाहिए और दूसरा गेट उसके लिए भी पास चाहिए। एक पास यानी कि एक व्यक्ति, अगर आप हस्बैंड वाइफ है, भाई बहन है या परिवार का कोई भी सदस्य है, वो अगर पास एक है तो एक की एंट्री होगी जनाब। और ये तस्वीरें लाइव दिखा रहे हैं परेड ग्राउंड से, जो कि दशहरा की बात करें कल जो है सूर्य अद से पहले आपको बताते चले 5 से 5:30 के बीच जो है रावण को जला दिया जाएगा। और वहीं पे जो लोग आना चाहते हैं उनकी जो टाइमिंग है 4 बजे शुरू हो जाएगा, 4 बजे उनकी एंट्री है, अपने पास लेके आइएगा और 5 से 5:30 तक रावण को जला दिया जाएगा। जिस गाड़ी का इंतजार था वो गाड़ी कल 5 से 5:30 बजे के बीच में, और तैयारियां देख सकते हैं जोरों शोरों से यहाँ पे चल रही है। और ये तस्वीरें परेड ग्राउंड से दिखा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। और आप सबको आज रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपको बताते चले कल जैसे दशहरा है और कल इन एडवांस दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। और रावण की बात करें, मेघनाथ की बात करें, कुंभकर्ण की बात करें, जब ये जलाया जाएगा और मान्यता है कि इनकी लकड़ी घर पे लेके जानी चाहिए, इनकी लकड़ी घर पे लेके जाने से कोई नज़र नहीं लगती, कोई जो कहते हैं कि भूत प्रेत आत्मा किसी ने किया कराया हो तो ऐसा कुछ नहीं होता। और मान्यता है कि इसकी लकड़ी को भी घर पे लोग लेके जाते हैं। और बाकी हम कल मिलेंगे, कल दिखाएंगे लाइव यहाँ पे। इस वक्त ग्राउंड खाली दिख रही है, लोग जो है पूरे यहाँ पे आ चुके होंगे और लोग भी काफी बेसब्री से इंतजार करेंगे कब रावण को जलाया जाएगा। देखते रहिएगा दिल्ली द लेटेस्ट न्यूज़। कैमरामैन अनमोल के साथ सोनिया डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।